ये सृष्टि उदय हुई है ओंकार से और ये राम में रचने वाली हैं, इसीलिए इसे समझना है, इसे जानना है और इसे जानकर हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। ये काम हमारा है, परंतु हमें ये काम कौन सिखाएगा, ये जानकारी कौन देगा। जैसे हमने जन्म लिया और जन्म से लेकर अभी तक हमें बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी है, परंतु अभी तक हमें सच्चाई से वाकिफ होते हुए भी सच्चाई का पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। ये समझने के लिए, जानने के लिए हमें ध्यान में जाना होगा। ध्यान में जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, परंतु ध्यान कैसे करना है, ध्यान क्या करना है, ध्यान किसका करना है, ध्यान कैसे होगा और ध्यान की अनुभूतियाँ क्या होगी, वो जानना हमें अपने अपने लिए है। हम ध्यान की अनुभूतियों में जाएंगे तो हमें अपने आप को एकांत में शून्य में स्थिति को प्राप्त करने की क्रिया को करना होगा। जैसे जैसे हम शून्य में स्थिति प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे हमारी ध्यान की जो क्रिया है वो दृढ़ होती जाएगी, और जैसे जैसे ध्यान की क्रिया दृढ़ होगी वैसे वैसे हम नींद में भी जागते होंगे और जागे जागे सोए रहे होंगे। ध्यान वो स्थिति है जो मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों से एकाकार करवाती हैं, तीनों को एक रूप में लाकर खड़ी कर देते हैं। इसीलिए हमें इस ध्यान को जानना है। ध्यान क्या है? ध्यान एक चित्त अहंकार रहित सर्व विचारों का निरोध ही ध्यान है, यानी शून्यमय स्थिति। तो ये तो होना संभव नहीं है जागते हुए, परंतु जब हमें किसी प्रकार का मन से शौक लगता है, मन को झटका लगता है, तब हम शून्य में चले जाते हैं, हम सूक्ष्म में चले जाते हैं और हम उस वक्त ध्यान की वो मुद्रा अवस्था में होते हैं जिसे समाधि कहते हैं। काफी लोग कोमा में चले जाते हैं सुनकर, काफी लोग बेदान अवस्था में चले जाते हैं, काफी लोग जो हैं वो आघात सहन न कर पाने से सुसुप्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु शरीर की क्रियाएं चलती रहती हैं और वो मृत समान ही शरीर रहता है। ये स्थिति तो हमें सभी की आती है, परंतु हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी उस पर लक्ष्य नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में सोचा नहीं, उसे जानने की कोशिश नहीं की है। यदि हम कोशिश कर लें तो हर तरंग के अंदर हम व्याप्तमान होंगे, व्याप्तमान यानी होंगे और क्रियाशील होंगे। ये जानना है, समझना है, अनुभव करना है, हृदय मन मस्तिष्क और कमर कमल में उतारना है। उतारोगे कैसे? जो तुम्हें कुछ कहने की, जो तुम्हें कुछ सुनने की, जो तुम्हें कुछ बोलने की, जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसका निरोध करेंगे तब ये क्रिया प्राप्त होगी जो बता रहा हूँ। परंतु ये क्रियाएं क्रियाशील होते हुए, जागते हुए करना सिखाए, यही श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास की शरण में आकर क्रियाशील होता रहता हूँ और जगत को उस तरंगों में व्याप्त करता रहता हूँ। क्योंकि सर्वत्र धीरे धीरे सतोगुण तत्व बढ़ता रहा है, ये देख रहा हूँ कि मैं
सतोगुण तत्व को व्याप्त कर रहा हूँ। ये मेरा शिवात्मा रामदास उद्गम स्थान है, वो शून्य स्थान है, उससे व्याप्त होते होते ये सृष्टि के अंदर सर्वत्र शून्य को प्राप्त करवाएगा और सभी को सतोगुण युक्त करेगा। रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण से उत्पन्न हुआ तमोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुआ रजोगुण, रजोगुण से फिर उत्पन्न होगा तमोगुण और इसी तमोगुण से हम रजोगुण का नाश करके रसोगुण का नाश करने के बाद तमोगुण का भी नाश करेंगे। परंतु रजोगुण से तमोगुण उत्पन्न हुआ और तमोगुण को रजोगुण नाश करता है और रजोगुण से तमोगुण नाश होता है। एक दूसरे को नाश करके तीसरा जो रहता है वो सतोगुण यानी निर्विघ्न दोनों तराजू के दोनों पलड़ों में, दोनों तराजू किसका, सामने वाले का और मेरा, दूसरे का और तुम्हारा, उनका और इनका, एक दूसरे तराजू के अंदर सम कर्म वेद भाव स्थिर हैं तो कोई भेद नहीं है, एकाकार एकता है। स्त्री और पुरुष ये संसार के अंदर वो आकर्षण की क्रियाएं बनाई गई हैं। जीव शरीर को आकर्षण नहीं करता है, जीव शरीर से आकर्षित होता है क्योंकि शरीर के अंदर ही रूप है, शरीर के अंदर ही गंध है, शरीर के अंदर ही आकर्षण किसका है, तेज का है, गंध का है, श्रवण का है, स्मरण का है और हमारे स्मृति का है। ये ध्यान इसी वजह से हमारा ये शरीर कार्य करता है। सुषुप्त अवस्था में ये सब को होते हुए भी नहीं होता है, ध्यान अवस्था समाधि में ध्यान होते हैं तब तक ये क्रियाएं होती हैं, जब ध्यान से समाधि में हो जाते हैं, समाधि में लीन होने पर वो सारी ही क्रियाएं अपने आप शून्य हो जाती हैं। ये शून्य हुई क्रियाएं कौन सी हैं और कैसे शून्य होती हैं ये जानने के लिए आपको ध्यान करना होगा और ध्यान करने के लिए ये जो उत्तम उद्गम स्थान है ये मंत्र प्राप्त किया हुआ है। अब कली काल के अंदर जो मंत्र हैं श्री शिवात्मा रामदास का, उसे कली काल में जितना जितना ध्याओगे तो सारे धर्म को भूल जाओगे। सारे धर्म को भूल जाने का मतलब है अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, ये पांच तत्व हैं, इनकी पांच प्रकृति हैं, उनकी पांच प्रकृतियों को, पांच प्रकृतियों को 25 प्रकृति जो बनी हुई इस 25 प्रकृतियों से ही एक एक प्रकृति आपस में उसका खंडन करती हैं और उसे परिभूत करती हैं, तो वो खंडन करती हैं और परिभूत करती हैं उस स्थिति में लाना है। और जब सारी प्रकृति खत्म हो जाएगी और मुख्य पांच तत्व की ही प्रकृति रहेगी तब जाके तुम्हें वो ज्ञान होगा कि ये पांच तत्व की प्रकृतियों को एकत्रित करने वाला कौन सा तत्व है। तब पांच प्रकृतियों के जो पांच तत्व हैं उनकी पांच प्रकृतियां हैं मूल, वो भी शून्य हो जाएगी। उस शून्यता को प्राप्त करने के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ चित्त मन को अहंकार नाश कर देता है, सर्वश्रेष्ठ चित्त अहंकार नाश कर देता है, यानी दुष्भावना भी नहीं होती है, राग नहीं होता है, राग में द्वेष और राग यानी प्रेम से, राग यानी द्वेष से, तो राग दोनों में काम होता है कि ये सतोगुणी है और तमोगुणी है। राग होना चाहिए, हर एक किसी में राग होना चाहिए, अगर राग नहीं होगा तो वो किसी को प्राप्त नहीं कर पाएगा, किसी को प्राप्त करने की क्रिया उसके पास नहीं होगी। राग तो होगा तभी, किसी से भी तो राग होगा, जिससे भी राग होगा उसका, उसकी तरफ उसका प्रादुर्भाव प्रकट
होता रहेगा। अब प्रादुर्भाव प्रकट होने के लिए ये चीज़ें हैं जो तत्व अर्थ की हैं, उसे प्राप्त करना है, उसे समझना है, उसे जानकर अपने अंदर से ही उसे त्याग करना है और उसे पाना है। अपने अंदर जानकारी ले लो, जो मार्ग से मैं जा रहा हूँ वो किस धर्म, मेरे किस धर्म के अंदर बताए गए, उस धर्म को पाल रहा हूँ, उस धर्म के अंदर क्या उसके बारे में पूर्णतया सत्य हैं या पूर्णतया असत्य हैं, ये बंधन मुक्त होने का सोच विचार ज्ञान व्याप्त होता है। अब अंदर ही अंदर से तुम प्राप्त करोगे ओंकार को तो ओम से तुम्हारा उदय होगा, लेकिन ओम से उदय तो हो गया मगर रमण करना है। रमण करोगे तो सृष्टि के सारे सुख और दुख को भूल जाओगे और आनंदमय गोलोक के आनंद को प्राप्त करोगे, क्योंकि जहाँ शिव आत्मा और राम वो तीनों हैं, ये तीनों एक ही बन जाते हैं। ऐसे दत्त महात्मा इस संसार के अंदर दत्त भगवान हो गए, उन्होंने अपने अंदर वो जीव के अंदर उत्पत्ति करके सृष्टि को व्याप्त करने का मार्ग बताया। शिवात्मा रामदास उस सृष्टि को मार्ग बता रहे हैं, सतोगुणी तमोगुणी और उसके बाद रजोगुणी, सतोगुणी तमोगुणी और उसके बाद रजोगुणी। सतोगुण से तमोगुण का नाश करना है, सतोगुण से रजोगुण का नाश करना है और रजोगुण और तमोगुण उसके सतोगुण का नाश करना है। ये अपने आपस में नाश किस तरह से होगा तो इसे जानने के लिए पहले तो तुझे अपने मन के अंदर वो इच्छा जागृत करनी होगी, जिसे क्या कहते हैं कामना। कामना कामना दो प्रकार की हैं, आगे बताया गया। अब तुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर के प्रति तेरे अंदर वो सतोगुण ऊर्जा प्रदान करने के लिए रजोगुण से तमोगुण की तरफ जाना होगा। रजोगुण यानी भक्ति, तमोगुण यानी उसकी पराकाष्ठा, और तमोगुण से रजोगुण, तमोगुण से रजोगुण का नाश किया जाएगा, तमोगुण अधिक हो जाएगा तब रजोगुण नाश होगा, जब वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जब वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो उस रजोगुण का, रजोगुण ने तमोगुण उत्पन्न किया था, उस तमोगुण ने वो सिद्धि प्राप्त कर ली, उस सिद्धि प्राप्त करने से रजोगुण का नाश हो गया। अब इसी तरह से हमारे देह के अंदर, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर, मनोमय शरीर के अंदर, विज्ञानमय शरीर के अंदर, स्थूल शरीर को प्रवृत्तिमय करने वाला कारण शरीर है, वहाँ से उदय होने वाली क्रियाएं, ये संसार सागर की तरंग हैं, जिसे अपने स्वयं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना अपना ईश्वर स्वयं प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर है वही, ईश्वर में कोई भेद नहीं है, ऊर्जा में कोई भेद नहीं है। सूर्य की सारी ऊर्जा किसी सतोगुण या किसी तमोगुण या किसी रजोगुण पर ही केंद्रित नहीं होती, उसे केंद्रित करने की क्रिया हम जैसे बिलोड़ी काच से करते हैं, वैसे ही हम ध्यान के द्वारा उन ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य कर सकते हैं। अब केंद्रित करने के लिए रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये क्रियाएं तो हैं ही हमारे शरीर के अंदर, उसी के द्वारा हमने इच्छा प्रकट की यानी कामना प्रकट की। काम प्रकट हुआ तो कामना से मेरी क्या हुआ, काम से सिद्धि प्राप्त हुई, सिद्धि प्राप्त हो गई तो मुझे लोभ लगा, लोभ लगा तो लोभ बढ़ता गया जिससे लालच लग गई, लालच बढ़ती गई और लालच बढ़ने के बाद मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ तो उस वक्त फिर दो गुण प्राप्त हो जाते हैं, या तो सतोगुण के द्वारा जिस बहाव में वो बह रहा है उसी में वो किनारा करता चला जाना चाहिए,
या तो फिर उसके विपरीत जाकर क्रोध करता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों साथ में रहकर तम को उत्पन्न करते हैं। अब तम को उत्पन्न किया तो उसने अधिक भक्ति की, उसने शिवात्मा रामदास ने अधिक भक्ति की, अधिक भक्ति की तो अधिक तीव्रता से उसको प्राप्त करने की अंदर से ऊर्जा उत्पन्न हुई। अंदर से जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती गई वैसे वैसे वो उस सक्षमता तक पहुंचता चला गया। उस सक्षमता तक पहुंचता चले जाने के बाद जैसे जैसे उसने और उसकी दृढ़ संकल्पना से रजोगुण को प्राप्त किया, यानी रजोगुण को प्राप्त करने के बाद उसने तमोगुण के द्वारा उसको दृढ़ संकल्पित करके और प्राप्त किया। इसी तरह वो प्राप्त करते करते ईश्वर के उस सूक्ष्म बिंदु तक पहुंच जाता है जहां उसका तम रज से खत्म हो जाता है और रज तम से खत्म हो जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। अब रहा ये जो शून्यमय हुआ वो, अब शून्यमय हुआ वो जो रहा है तो शून्य से भी तो परे होना है, क्योंकि शून्य में जब तक तुझे ध्यान है कि मैं सतोगुण में हूँ यानी शून्य में हूँ, तो फिर तू सतोगुण में होते हुए ही रहेगा। अब ये भी भूल जाना है कि मैं सतोगुण से शून्य में हूँ। अद्वैतो हम। पांचों तत्व जो हैं अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, उसके मूल प्रकृति का नाश करके अद्वैतोहम प्रकट होता है। अद्वैतोहम वो प्रकट हुआ तो अंदर से सारे धर्म विचारों के, कर्मों के, क्रियाओं के, कलापों के, सतोगुण और तमोगुण, रजोगुण सत्व और तम से उत्पन्न हुए, रजोगुण से उत्पन्न हुए सारे श्रेष्ठ और निष्ट कर्म शून्यमय हो जाते हैं जब हम अंदर से ये ओंकार जो सुनाई दे तब समझ लो अंदर से mm-hmm.